हुसैन पे रोना मेरे नबी की सुन्नत। हर शय को बिदत बिदत ना बनाओ, आप तो उनकी शहादत से पहले रो रहे हैं। वो आंख ही क्या जो आले रसूल के मसाइब पे ना रोए, वो क्या आंख है, वो क्या ईमान है, वो क्या इंसान है। उम्मे सलमा साहब ने फरमाया, उम्मे सलमा आज एक फरिश्ता मिलने आ रहा है, बहुत खास, किसी को अंदर नहीं आने देना। बस तो उम्मे सलमा पहरे पे खड़ी हो, थोड़ी देर के बाद अंदर से मेरे नबी के जोर जोर से रोने की आवाज आई। उम्मे सलमा रह ना सकी, भाग के अंदर गई तो आपने क्या देखा, आपने हुसैन को यूं सीने से चिमटाया हुआ, बिलक बिलक सिसक सिसक रो रहे थे, आपके आंसू आपके रुखसार और दाढ़ी पर उतर कर रहे थे। उम्मे सलमा ने कहा, मेरे माँ बाप कुर्बान या रसूलल्लाह, क्या हुआ, आप ऐसे तड़प के क्यों रो रहे हैं। बाप ने रोती आवाज में कहा, बहते आंसुओं के साथ, कपकपाते बदन के साथ, कि उम्मे सलमा ये फरिश्ता जो मुझे मिलने आया था, ये मेरे बच्चे को देख कर कह रहा है कि आपकी उम्मत उस बच्चे को कतल कर दे और जहां उसका खून गिरेगा वो मिट्टी मुझे दिखाई है उसने, तो मैं इसलिए इस पे रो रहा हूं। अभी तो वो शहीद नहीं हुए और रोया जा रहा है, तो हम तो उनकी शहादत पे रोते हैं और ये क़यामत तक रोते रहेगी दुनिया। ये अल्लाह का निजाम है, उसने करबला के वाक़े को यूं कर दिया जैसे हर साल आज ही हुआ है, आज ही हुसैन शहीद हो रहे हैं।